सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज की बहाली की व्यवस्था है, हम उसके बारे में हमेशा बोलते रहे। कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज बहाल होते हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, प्रजातंत्र के खिलाफ व्यवस्था है, हर तरह से वह गलत व्यवस्था है। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सिर्फ जान पहुंचाने वाले हैं, जो सगे संबंधी हैं जज लोगों के, जो पहले से बहाल हैं, उनकी बहाली हो रही है। मेरिट वाले लोग नहीं बहाल हो रहे, या न्यायपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन सचेत रहिएगा भाइयों, भारत सरकार के मंत्री के बयान को देखकर के बहुत खुश मत होइएगा। कॉलेजियम सिस्टम निश्चित रूप से गलत है, उसमें बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश में हो रहे जजों की बहाली के प्रक्रिया पर पटना से आवाज उठने शुरू हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना स्थित कृष्ण मेमोरियल हॉल से ये आवाज बुलंद किया है। और उनका कहना है कि देश में जो प्रक्रिया से जजों की बहाली हो रही है, जिस प्रक्रिया से जजों की बहाली होती है, पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है और इस ये प्रक्रिया पूरे तरीके से खत्म होना चाहिए। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुने गए। उनके चुने जाने के बाद से आज जेडीयू के द्वारा खुला अधिवेशन बुलाया गया था। उस खुला अधिवेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। पहले आप वीडियो को देखिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज की बहाली की व्यवस्था है, हम उसके बारे में हमेशा बोलते रहे। कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज बहाल होते हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, प्रजातंत्र के खिलाफ व्यवस्था है, हर तरह से वह गलत व्यवस्था है। हम लोग जब बोल रहे थे, देश में और भी कई जगह से आवाज आ रही थी। अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्री भी अब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सचेत रहिएगा भाइयों, भारत सरकार के मंत्री के बयान को देखकर के बहुत खुश मत होइएगा। कॉलेजियम सिस्टम निश्चित रूप से गलत है, उसमें बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। लेकिन बदलाव जिस तरह से सरकार आलोचना कर रही है, केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, तो हम लोग बोल रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सिर्फ जान पहुंचाने वाले हैं, जो सगे संबंधी हैं जज लोगों के, जो पहले से बहाल हैं, उनकी बहाली हो रही है। मेरिट वाले लोग नहीं बहाल हो रहे, या न्यायपूर्ण व्यवस्था है, भारत सरकार के कानून मंत्री ने कहा। इतनी दूरी तक तो बात ठीक लग रही है। लेकिन उसके आगे किसी बहाने भारत सरकार जजों की बहाली की पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन और खतरनाक दिन आ जाएगा भाइयों। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते, कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन भारत सरकार अपने नियंत्रण में सीधे तौर पर ले ले जजों की बहाली की व्यवस्था, जो और गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर भी हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत। भाइयों मित्रों, बहस का विषय हो सकता है, कैसे बहाली हो बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हमने अपना व्यक्तिगत रूप से प्रस्ताव हमेशा हर जगह दिया है। इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम का विकल्प क्या भी नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम के विकल्प के रूप में हमने कहा है। जैसे कलेक्टर और एसपी की बहाली होती है, कलेक्टर और एसपी की बहाली में मेरिट वाला विद्यार्थी, चाहे जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, या सवर्ण जात का भी हो, पढ़ाई लिखाई में तेज मेरिट वाला विद्यार्थी हो, खुली प्रतियोगिता से कलेक्टर और एसपी की बहाली होती है। उसमें हर मेरिट वाला विद्यार्थी बैठता है, जो कम्पीट करता है वो एसपी कलेक्टर बनता है। क्या ऐसी ही व्यवस्था जजों की बहाली में नहीं हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली में भी खुली प्रतियोगिता हो जाए, जो भी मेरिट वाला विद्यार्थी होगा, जिस जाति का उनका वर्चस्व बन जाए। कोई मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव, कोई और प्रस्ताव हो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से करना चाह रही है, वैसी व्यवस्था होगी, उसको हम लोग कतई स्वीकार करने वाले नहीं है। वो पूरे तौर पर गलत व्यवस्था होगी, और आज जो व्यवस्था उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए भी हम लोग को सचेत रहने की जरूरत है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वही लोग अब देश के अंदर जज बन रहे हैं, जो कि जजों के पास पानी पहुंचा रहे हैं या फिर जजों के रिश्तेदार हैं।
वही लोग जज बन पा रहे हैं। तो इस ये पूरे प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिए। जिस तरीके से देश के अंदर IAS IPS की नियुक्ति होती है, उसी तरीके से जजों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।